Yeah.
वो धागा पकड़ लीजिए मूर्ति आप आ गए हो देखिए किसी हेल्प के साथ है आप सामने सामने चल है पासबुक प्रिंटिंग मशीन है और एक और चीज है उपलब्धि है जो जैसे एटीएम में से आप कैश निकाल सकते हैं अभी हमने सीडीएम लगाए जिसमें आप कैश जमा कर सकते हैं 50,000 से कम तो हमारे शाखाओं में अकाउंट जो खुल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है भीड़ होती है तो काफी लोगों को परेशानियां होती है कि देर लगता है ट्रांजैक्शंस करने में इन ई कॉमर्स के जरिए और हमारे एटीएम सीडीएम हम लगा रहे हैं अलग अलग स्थानों में इस जरिए हम लोग कोशिश करें कि कस्टमर्स को हम उपलब्धि और आसानी से प्रेजेंट करें जरूरी नहीं है कि उन लोगों को शाखाओं में आना पड़ेगा इन केंद्रों में जाके अपना कैश जमा कर सकते हैं कैश निकाल सकते हैं इंटरनेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अभी कैश भी जमा करना 50,000 रुपया तक वो जमा कर सकते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि बिलासपुर की जनता इन उपलब्धियों का पूरा इस्तेमाल करेंगे मेरे शुभकामनाएं उनको हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ब्रांचेस में डी कंजेशन हो कोर बैंकिंग के पर आने के बाद नॉन होम कस्टमर्स काफी भीड़ कर रहे हमारे ब्रांचेस में तो हमारे जो अच्छे पुराने ग्राहक है कई लोगों को इस भीड़ को देख के थोड़ा घबराहट होती है और लोग हमसे थोड़ा दूर हो गए तो हम लोग नॉन होम हब्स भी खोल रहे हैं बिलासपुर में भी खुलेगी अभी दो नॉन होम हब्स खुलेंगे बहुत शीघ्र वहां पे नॉन होम कस्टमर्स वहां पे जाके बढ़िया फैसिलिटीज मिलेगी वहां चले जाएंगे तो हमारे ब्रांचेस कंपैरेटिवली खाली हो जाएंगे और हम लोग कोशिश करते हैं उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं हमारे पुराने कस्टमर्स को कि वापस आए और हमारे सेवाओं का वो भरपूर लाभ ले सर कस्टमर तरफ से ये मैं देखूंगा हमारे जीएम साहब हैं यहाँ पे जीएम्स और डीजीएम्स अभी बाकी जो शहर में एटीएम है कुछ एटीएम में ऐसे हैं जिसमें 100 के नोट नहीं है वहाँ एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि 100 के नोट इसमें नहीं है ओके हमारे कई बार होता है कि लोग ज्यादा निकाल लेते हैं उसको ये बहुत शीघ्र आएगा इससे क्या है फ्रॉड होने के चांसेस कम होती है जो बायोमेट्रिक फैसिलिटीज देंगे वो कोई आदमी बदल नहीं सकता है वो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फ्रॉड्स जो होते हैं कभी कभी एटीएम्स का गलत उपयोग हो रहा है ये सब दूर हो जाएंगे ये मोबाइल पे आजकल जैसे फ्रॉड्स बोले कि बहुत सारे नंबर और एटीएम के जानकारी लेने का उससे क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से कस्टमर पब्लिक से ये बताऊंगा कि इंटरनेट हो मोबाइल हो अपना पासवर्ड किसी को नहीं पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग कभी भी हमारे कस्टमर्स को उनके अकाउंट्स के डिटेल्स नहीं मांगते हैं पासवर्ड नहीं मांगते हैं तो कभी कभी कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोग कस्टमर्स को फोन करके बोलते हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक हमको फलाना डिटेल्स बताइए तो ये उनको करना नहीं चाहिए कभी भी पासवर्ड अपना सिग्नेचर जैसा ब्लैंक चेक जैसे साइन करके देते हैं उसी तरह पासवर्ड शुड बी टोटली सीक्रेट इट शुड नॉट बी गिवन टू एनीबडी कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए कहीं लिख के कैशुअली रखना नहीं चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग हो